तत्व को समझ लेते हैं। बृहस्पति आपकी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है स्टमक, फैट, मीठा, स्वीट, घी, एक्सपेंशन है जी, बृहस्पति एक्सपेंशन है, इसीलिए बृहस्पति आपके बच्चों का कारक है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंशन हो रहा है ना आपके परिवार में। बृहस्पति आपके पूर्व पुण्य है, पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य है, लेकिन कारक कौन है? बृहस्पति। संतुष्टि कौन है? संतुष्टि, हैप्पीनेस, द कारक ऑफ हैप्पीनेस इज बृहस्पति। और हाउस कौन सा है? चौथा भाव। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कारक एंड द हाउस। जैसे द्वितीय भाव खाने का है और चंद्रमा कारक है खाने का, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, भाव और कारक, ठीक है। तो जब आप कारक देखते हैं तो भाव भी देखना पड़ता है हमें। तो इसीलिए बृहस्पति हैप्पीनेस का कारक है, गुरु का कारक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है। कहां से डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी आपको? गुरु कैसा होगा, कितना डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगा, वो सब गुरु बताएगा आपको। इसलिए कोई बड़ा आपको गाइड कर दे, सडनली आपको कोई बचा दे, आप डूब रहे थे बचा दिया, वो गुरु है। गुरु आपका रिलीजन, फेथ, बिलीफ सिस्टम है। पुजारी, मंदिर, पूजा स्थान, ये सब आपका गुरु है। स्टमक से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड, साइनस से रिलेटेड जितने भी इशू आएंगे, थायराइड से रिलेटेड जितने भी इशू आएंगे, वो सब बृहस्पति के खराब होने से आते हैं। और एक चीज का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है कि आपको ये सारे इशू हैं और आपका बृहस्पति खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब ये खत्म हो गया। हो सकता है आपको ये साइनस का इशू है लेकिन आप टीचर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप स्वरयोगी हैं, आप पढ़ाते हैं, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। एक ग्रह अगर कुछ खराब कर रहा होता है तो वो दूसरा कुछ ना कुछ अच्छा दे रहा होता है, इसको आप ऐसे समझें। जरूरी नहीं कि शुक्र आपका खराब है तो आपकी पत्नी से नहीं बनेगी, या आपकी पत्नी से नहीं बनेगी तो आपका शुक्र खराब हो गया। अगर शुक्र खराब है तो इतने महंगे कपड़े, इतना महंगा परफ्यूम, इतना बड़ी गाड़ी, इतना बढ़िया लग्जरी जीवन कैसे है? क्योंकि एक ग्रह कोई चीज को खराब कर रहा है लेकिन वो दूसरी चीजों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। जनरली आपको ये बोला जाता है कि ये सिम्टम है तो खराब है, आपको लगे अरे बृहस्पति खराब है, अरे बृहस्पति खराब होता तो आप जी कैसे रहे? सांस ले रहे हो ना, सांस लेना ही बृहस्पति है, स्वर आपकी जो ऑक्सीजन है, प्राण है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, बृहस्पति जीव है, जीव कारक है हम सब लोगों के लिए। आपकी नाक बताएगी आपका बृहस्पति कैसा है। किसी की नाक बहुत चौड़ी जैसी हो तो बृहस्पति के ऊपर राहु का प्रभाव हो सकता है। बृहस्पति नीच का हो सकता है, नीच का मतलब फॉल, डिप्रेस्ड, यानी नाक दबा हुआ है। किसी की नाक बहुत सुंदर होती है तो बृहस्पति शुक्र के साथ हो सकता है। किसी की नाक बहुत लंबी सी होती है, जैसे इंदिरा गांधी और कैप्टन विक्रम बत्रा की देखेंगे आप तो नाक थोड़ी सी बेंड है या थोड़ी सी पैनी जैसी है थोड़ी सी, जैसे शक्तिमान में तमराज की लुविश की थी तो तमराज की लुविश का बृहस्पति खराब था, बृहस्पति वक्री था, इसीलिए वो तमराज की लुविश था, इसीलिए वो अंधेरा कायम रहे कहता था, है ना।
इसलिए उसके अंदर सात्विकता की कमी थी। ठीक है, तो बृहस्पति आपकी नाक है, अगर आपको नाक से ऑक्सीजन मतलब नाक से आप अंदर इनहेलिंग और वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो बृहस्पति में प्रॉब्लम। बार बार आप अपनी नाक को छूते हैं बात करते समय, नाक पे उंगली रहती है, इसका मतलब आपके बृहस्पति पे मरकरी का इन्फ्लुएंस है। क्यों सिमरन जी? या बृहस्पति थर्ड में है, बृहस्पति जेमिनी में है, भी हो सकता है, ये सारी चीजें भी हो सकती। सिमरन जी का जुपिटर इन जेमिनी है क्या? है ना जुपिटर जेमिनी में? क्योंकि मैंने जब जुपिटर की बात की तो आपका हाथ एकदम नाक पे था। जेमिनी जेमिनी रिप्रेजेंट हैंड्स, जुपिटर इज योर नोज, यू आर टचिंग योर नोज, इट मींस इट्स इन द सिक्स्थ हाउस, थ्री नंबर, इसीलिए नाक थोड़ी सी शार्प है ना, जेमिनी में है जुपिटर। तो अगर भाग्य नहीं बन रहा हो तो अपने नाक की मरम्मत करवा सकते हैं, है ना? लेकिन ठीक है, उसको शेप में ला सकते हैं, भाग्य बदल सकता है, ठीक है। लेकिन उपाय यह है कि मोची के पास जाना पड़ेगा। अब ये भी हो सकता है, देखो बेवकूफ बनाना हो तो बना सकते हैं ना, कि अपना नाक सीधा करवा लो भाग्य बदल जाएगा। अरे नाक सीधा करवाने से नाक सीधा होगा, भाग्य सीधा नहीं होगा। घुटनों पे तेल लगाओ जी, शनि ठीक हो जाएगा, आपका करियर ठीक हो जाएगा। घुटनों पे तेल लगाने से घुटने ठीक होंगे जो शनि के चीजें हैं, ना कि करियर ठीक होगा। खाना सही से खाओगे तो पेट ठीक रहेगा, खाना आशीर्वाद देगा, बट इट हैज नथिंग टू डू विद योर मनी। पैसा पैसा है, खाना खाना है, लेकिन जोड़ने को हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि चीजें ऐसी चलती हैं कि दैहिक दैविक भौतिक लेवल पे इफेक्ट करती हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को। जब माहौल बनता है तो चीजों का माहौल ऐसे ही बनता है, सीक्वेंस में बनती है, चेन बनती है इवेंट्स की, ठीक है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग दाढ़ी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि बाबा जी बनना है मुझे, तो समझ लीजिए कि वो केतु का इन्फ्लुएंस उसके जुपिटर पे आ रहा है या लगन पे आ रहा है। ठीक है, तो बृहस्पति जीव कारक है सबके लिए, नाक है, वायु है, ये सब हो गया। ठीक है, अब शनि जो है बड़े भाई का कारक है, आपके प्रोफेशन और कर्म और क्रियमाण कर्म, जो आप पूछते हैं कि कुछ बदलता है, बदलता, अब क्या बताऊं, बदलता कुछ नहीं है और बदलता भी है, क्योंकि चीजें पैरेलल ही चलती है ना, आपकी लाइफ डायनेमिक है तो ये कुंडली भी तो डायनेमिक है, ये साथ साथ चलती है, तो बदलता कुछ नहीं है क्योंकि साथ ही चल रहा है। इसको आप स्टेटिंग माने और आप आगे बढ़े तो, और आप इसमें बदलाव करने की सोचें और यहां पे कुछ हो जाए तो ये मूर्खता है, पैरेलली चीजें चलती हैं। आप में से बहुत सारे लोग स्वर शास्त्र सीखेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका जुपिटर का डिस्पोजिटर या जुपिटर एक्टिव हो चुका है केतु से। वाया वाया चीजें भी होती हैं ज्योतिष में, डिस्पोजिटर के थ्रू चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा आपको, आप सिर्फ कारक तत्व पकड़ लीजिए।